ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था सेल टॉपिक में पेरोक्सिज़ोम में, ठीक है। पेरोक्सिज़ोम ये किस टाइप की सेल ऑर्गेनली है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। यस करेक्ट, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। तो ये दोनों क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन उनका डिटेल स्ट्रक्चर हमने नहीं निकाला है, यहाँ खाली ओवल शेप में स्ट्रक्चर्स निकाले। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए थ्री ऑर्गेनलीज की जरूरत है। थ्री ऑर्गेनलीज आर रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन एक्चुअल फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन पेरोक्सिज़ोम। मेन सेल ऑर्गेनली कौन सी है फोटो रेस्पिरेशन की? दैट इज पेरोक्सिज़ोम। आपको तीनों भी ऑप्शन रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा, पेरोक्सिज़ोम भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, लेकिन मेन सेल ऑर्गेनली कौन सी है फोटो रेस्पिरेशन की? पेरोक्सिज़ोम। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन। करेक्ट, पेरोक्सिज़ोम फोटो रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज मीन बाय फोटो रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग द डे टाइम और ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ फोटो रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए एज वेल एज एनिमल के रेस्पिरेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये इस टाइप का रेस्पिरेशन है जो कि खाली प्लांट से ही फॉलो करते हैं। लेकिन कब? ड्यूरिंग डे टाइम। और कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में स्टार्ट होती है ये। कहाँ से स्टार्ट होगी? क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट और स्टार्ट इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम बाय द प्लांट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट पाथवे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट पाथवे और ग्लाइकोलेट साइकिल। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट साइकिल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीटो साइकिल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीटो साइकिल। अब तक हमने C3 साइकिल देखी, C4 साइकिल देखी, आज हम देख रहे हैं C2 साइकिल का मतलब क्या है। क्या हुआ इसका मतलब? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज अ C2 साइकिल, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? ग्लाइकोलेट। यहाँ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? ग्लाइकोलेट।